साथ ही आज के वीडियो में हम जानेंगे सिंह राशि के जातकों का 25 दिसंबर और 26 दिसंबर इन दो दिनों के आज के महाराशि फल के बारे में। क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे? नौकरी व्यवसाय कारोबार में क्या फायदे क्या नुकसान होंगे? धन लाभ होगा कि नहीं होगा? क्या बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है? आपके प्रेम संबंध और स्वास्थ्य में क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे? भाग्य साथ देगा कि नहीं देगा? विवाह के योग है या नहीं? नौकरी मिलेगी या नहीं? स्टूडेंट के लिए पढ़ाई में सफलता मिलेगी या नहीं? सब कुछ जानेंगे विस्तार से यहाँ इस वीडियो में। कृपया करके वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। साथियों, काम में अपने बौद्धिक कौशल के साथ आगे बढ़ सकते हैं आप और प्रोफेशनल कारणों से नए संपर्क बना सकते हैं और यह वर्ष आपके नौकरी या व्यापार के लिए सकारात्मक होगा। साथ ही सहकर्मियों से सहयोग मिल सकता है। कोई तीसरा व्यक्ति आपके और आपके दोस्तों के बीच दरार डालने की कोशिश कर रहा है तो उससे दूर ही रहें। अलग से इन लोगों से बात करें और ये जानने की कोशिश करें कि आपके रिश्ते में खटास का क्या कारण है। आप रिश्ते को गंभीरता से लें क्योंकि इसमें आपका विश्वास पहले से बन चुका है। आपको क्या पता यह रिश्ता पूरी जिंदगी के लिए पार्टनर के रूप में बदल सकता है। आप इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं और शादी की तैयारी शुरू कर सकते हैं। आपको अपने साथी के साथ किसी भी क्रोध से बचने के लिए अपने साझेदारी व्यवसाय में कुछ समायोजन और समझौता करना पड़ सकता है। आपको अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए खान पान की आदतों को दुरुस्त रखना चाहिए। स्वस्थ रहने के योग या व्यायाम को आपको अपनी दिनचर्या में शामिल अवश्य कर लेना चाहिए। साथियों, यह समय आपके लिए नई परियोजनाओं में प्रतिभा दिखाना आपके लिए अनुकूल हो सकता है। इसके बाद आप अपने व्यापार का विस्तार कर सकेंगे और आपको सरकारी अनुबंध मिल सकते हैं और प्रिंटिंग, फार्मा, रंग, मीडिया से संबंधित व्यवसाय में प्रगति हो सकती है। साथियों, दिन भर आप अपनी कई योजनाओं और विचारों के बीच तालमेल बनाने की कोशिशों में लगे रहेंगे। आज आपको कुछ ऐसी परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ सकता है जिसमें आप व्यवहारिक तौर पर कुछ नहीं कर सकते हैं। आपका हर विचार ना तो तुरंत परिणाम दे सकेगा और ना ही हर विचार ठीक ही है। फिर भी अगर आप अपनी सोच या योजना को सही साबित करने पर अड़े रहेंगे तो आप कोई गलती कर सकते हैं और हो सकता है कि एक दो मौकों पर आज ऐसे शॉर्टकट अपना लें जो कानूनों के या मर्यादाओं के प्रतिकूल हो। आपको अपने प्रयासों को मिले जुले परिणाम ही मिल सकेंगे और ऐसे में जोखिम कम करने के लिए बेहतर रहेगा कि आप अपने निकट जनों के साथ विचार विमर्श करके ही कोई कदम उठाएं। थोड़ी सावधानी बनाए रखें। शाम का समय आनंददायक रहेगा आपके लिए। मित्रों, आज आप अकेलापन और जीवन में प्रेम या रोमांस का अनुभव महसूस करते रहेंगे। प्रेमी से मुलाकात कठिन रहेगी और विवाहित जब सबसे ज्यादा रोमांटिक मूड में होंगे उस समय अंतहीन घरेलू कामों में फंस जाएंगे। आज आपकी आमदनी सामान्य रहेगी। ज्यादा का लाभ ज्यादा नुकसान दे सकता है। व्यापार में अहंकार ना रखें। नौकरी में आज आप मेहनत ज्यादा करेंगे लेकिन परिणाम आपकी उम्मीद से कम होंगे। आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। मन में कोई ना कोई तनाव बना रहेगा। परिवार में किसी स्वास्थ्य की चिंता करनी पड़ सकती है। आज विद्यार्थी अपने अध्ययन से विनम्रता से जोड़ें और शिक्षक ही नहीं साथी भी अगर आपको कोई बात बताए तो उसे ठीक से समझने की कोशिश करें। स्वयं को बड़ा चढ़ाकर जताना परेशानी पैदा करेगा। आज आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी तभी जाकर आपको सफलता प्राप्त हो पाएगी। मित्रों, आज आप घर और ऑफिस दोनों स्थानों पर शांतिपूर्ण माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। आपका यह अनुभव मजेदार रहेगा और आप इसे प्रेरित भी होंगे। हालांकि अपनी निजी बातें किसी के साथ भी न बांटें और कोई भी कड़वा पाठ सीखने के लिए भी खुद को तैयार रखें। आपको अब धीरे धीरे यह बात समझ में आ पा रही है कि आपको अपने खाने के पैटर्न और अपनी जीवन शैली में कुछ बड़े बदलाव करने की जरूरत है लेकिन आप इस बारे में संदेह के कारण कोई पक्का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। आज आपके सारे संदेह दूर हो जाएंगे और आप एक स्वस्थ जीवन जीने की आवश्यक सभी शैलियों को कदम उठा पाएंगे। आपको इस बारे में अपने आसपास रहते किसी आमदनी से प्रेरणा भी मिल सकती है। भाग्य लक्ष्मी
और पोषण से संबंधित ग्रह आज आपकी राशि में चमक रहे हैं। अपने प्यार को एक आरामदायक अनुभव से रूबरू कराएं, अपने प्यार को महसूस कराएं कि वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रहों की स्थिति आपके प्यार के जीवन की रक्षा करेगी और ये समय प्रेम में डूबने का समय है। आज आपको अपने साथी के कुछ निजी और अंतरंग समय मिल सकते हैं। चुनौतीपूर्ण समय खत्म हो गए हैं और अपने सफलता पूर्वक बाधाओं को पार कर लिया है जो कि भाग्य ने अपने आप फेंके थे। इसीलिए यह बहुत आवश्यक है कि आप अपने को शांत बनाए रखें। इसके अलावा आप आराम करने की मुद्रा में आ सकते हैं क्योंकि कार्य का दबाव आपके कार्य स्थल पर काफी कम हो गया है। अच्छा कार्य प्रदर्शन आपके वित्तीय लाभ का मार्ग भी खोलेगा। लंबी अवधि के निवेश में पैसों का निवेश करने के लिए ये एक अच्छा समय है जहाँ से आप कुछ अच्छा ही फील करेंगे और भाग्य को चमका सकते हैं। मित्रों, आगे का राशिफल जानने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि यदि आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द करें, साथ में घंटी के आइकन को दबाएं ताकि देख पाएं आप अपनी राशि से जुड़ी हुई जानकारी सबसे पहले, और आपकी राशि कौन सी हमें कमेंट करें। और यदि वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आ जाए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कम से कम 8 से 10 लोगों में शेयर जरूर करें, और उन लोगों का शुक्रिया अदा करें जिन्होंने आप तक ये जानकारी शेयर करके पहुंचाई है। यदि आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं भगवान से तो यकीन मानिए देश दुनिया के किसी कोने में कोई व्यक्ति ऐसे भी बैठे हैं जो आपके लिए भी प्रार्थना कर रहे होंगे, आपके भले के बारे में सोच रहे होंगे। तो मित्रों, प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले प्रतियोगियों को मंजिल पाने के लिए शॉर्टकट लक्ष्य भटका सकता है। आपको केवल अपनी धुन का पक्का होना है और कठोर परिश्रम करते रहना है। किसी भी प्रकार का कर्ज लेने से बचना है। यदि आप पहले से कई पिछले पुराने कर्जे में डूबे हुए हैं तो नया कर्जा लेने से आपको बचना है। प्रबंधन क्षमता आपके अंदर जन्मजात है लेकिन आज आपको फायदा पहुंचाने वाले ग्रह स्वयं संकट में हैं। इसलिए हर काम अपने भरोसे ही करना होगा। अधिक लाभ कमाने के लिए आज कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे कि आपकी इमेज को हानि पहुंचे। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आपको अपनी किडनी, यूरिन या डायबिटीज से संबंधित समस्याओं के प्रेरित या फिर प्रति ही सचेत रहने की आवश्यकता है, तब जाकर आप अपने शरीर से स्वस्थ हो पाएंगे, अन्यथा कोई गंभीर परेशानी या बीमारी आपको घेरे सकती है। बिजनेस में नई योजनाएं बन सकती हैं, रुका हुआ पैसा मिलने के योग बन रहे हैं और किसी से उधार पैसा भी लेना पड़ सकता है। आपकी कोशिशें सफल हो जाएंगी। ऑफिस के किसी काम से यात्रा के योग हैं जो आपके लिए बहुत हद तक फायदेमंद हो सकते हैं। जीवन साथी से संयोग मिलेगा। आज आपकी कोई इच्छा पूरी हो जाएगी और अविवाहितों के लिए दिन अच्छा है। विवाह प्रस्ताव भी मिलने के योग बन रहे हैं और आज नए बिजनेस की ओर आकर्षित होंगे। नौकरी में बदलाव देखने के योग बन रहे हैं। इनकम बढ़ सकती है और कोई पुरानी योजना आज याद आ सकती है जिसमें बेफिजूल के विवादों से बचना है और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। प्रेम संबंधों में आम योद्धित होने और संदेह करने से बचना है। वैचारिक मतभेद दूर होंगे और किसी को अपने मन की बात बताने का मौका मिलेगा। कारोबार में नए सौदे लाभप्रद रहेंगे। रुके कार्य पूरे होने में अभी समय लग सकता है। आज आपका समय परिवार वालों के साथ बीतेगा और घर की कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। ऑफिस में सीनियर्स आपके काम में खुश होंगे और आपके अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। शाम को इवनिंग वॉक करने से आप खुद को स्वस्थ और ताजगी से भरा हुआ महसूस करेंगे। इस राशि के फिजिक्स स्टूडेंट को आज पढ़ाई में कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। कुल मिलाकर आपका दिन मिली जुली प्रतिक्रियाओं वाला रहेगा और जरूरतमंद को वस्त्र दान करें। साथ में आपके लिए उनकी मदद करनी है जितनी आपसे हो सके तो भाग्य अवश्य साथ देगा। आपको कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां दी जा सकती है और व्यवसायियों को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। उधार दिया हुआ पैसा आने में संदेह है। मित्र आपके कार्यों में सहायक होंगे। सामाजिक वर्चस्व में वृद्धि होगी। मन में किसी बात को लेकर दुविधा हो सकती है, उसी के कारण आप तनाव महसूस कर रहे हैं। आज आपके मन में कोई ऐसा विचार आएगा जो आपके किसी खास काम को पूरा करने में आपकी मदद करेगा। ऑफिस में आज आपकी एक्टिविटी पर नजर रखी जा सकती है। आपको संभल कर रहना चाहिए। अगर आपके किसी मित्र से अनबन हो रही है
तो वो आज दोस्ती का हाथ बढ़ा सकता है। आपके स्वास्थ्य में आज कुछ गिरावट आ सकती है। इस राशि के जो लोग स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आज उनका दिन सामान्य रहने वाला है। आपको बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और छोटे बच्चों को हरे रंग का पेन कहीं गिफ्ट करना चाहिए, तो आप देखेंगे कि आपके सभी कार्यों में सफलता देखने को मिलेगी और समस्याओं से निवारण धीरे धीरे होता हुआ चला जाएगा। हो सके तो आज आप इस मंत्र का जाप करिए, सभी बिगड़े हुए कार्यों में सफलता अवश्य मिलेगी। मंत्र है ओम गृहिणी सूर्याय नमः। एक बार फिर से सुने मंत्र के लिए, मंत्र है ओम गृहिणी सूर्याय नमः। आपके जीवन में आने वाले सभी विघ्न बाधाओं को ये मंत्र काट देगा। आज आप अपने भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रभाव महसूस करेंगे। कुछ नया सीखने को मिल सकता है। आपको साथियों और परिवार से पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपका दिन काफी हद तक अच्छा और सुखमय गुजरेगा। आज ऑफिस में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, जिससे उत्साह बना रहेगा और पुरानी समस्याओं का अंत होगा। प्रयास तथा स्वयं कोशिश करने से प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी और नए कार्य का आयोजन सफलता पूर्वक कर पाएंगे आप। गृहस्थ जीवन में मधुरता आएगी, आपके अधूरे कार्य पूर्ण होंगे और सरकारी लाभ आपके लिए अवश्य मिलेगा। आज आपका भाग्य 70% तक साथ देगा, आपके फेवर में रहेगा, सोचे हुए कार्यों में सफलता अवश्य मिलेगी। आज का दिन आपके लिए नए अवसर लेकर आ सकता है। आप खुद को ऊर्जा से भरे हुए महसूस करेंगे। आपकी निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी। पारिवारिक जीवन में परेशानी आ सकती है, किंतु अंत में सभी पुराने झगड़े निपट जाएंगे और दफ्तर में सभी के साथ खुशहाल माहौल बना रखेंगे। बेफिजूल के विवादों से बचना है आपके लिए और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। प्रेम संबंधों में आरामदित होने और संदेह करने से बचना है, अन्यथा थोड़ी बहुत कहा सुनी हो सकती है। जीवन साथी को प्यार के साथ साथ सम्मान भी दें। अपने पार्टनर के साथ कुछ समय बिताएं, हो सके तो घर गृहस्थी में उनके साथ हाथ बटाने का प्रयास करें। आप देखेंगे कि आप अपने पार्टनर को समझने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, जिसमें वह आपसे कितना प्यार करता है ये भी आप जान पाएंगे। आज आपका समय परिवार वालों के साथ बीतेगा। घर की कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। ऑफिस में सीनियर्स आपके काम से खुश रहेंगे। आपको अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा और यहाँ से आप अपने कार्यों में एक अनिश्चितता प्राप्त कर पाएंगे। हो सके तो पार्टनर के लिए आप कुछ गिफ्ट जरूर दें, जिससे कि वह खुश होगा और अंतरंग ही प्रसन्न होगा। यदि आप चाहते हैं कि अपना पूरा सहयोग आपको मिले और आपकी किस्मत आपका साथ दे, तो हो सके तो पीपल के पेड़ के नीचे आज दीपक लगा कर आइए और पीपल के पेड़ पर जल चढ़ा कर आइए। भाग्य अवश्य साथ देगा, रुके हुए कार्यों में गति मिल जाएगी और जिन भाइयों के बहनों के विवाह के योग नहीं बन रहे थे, अब यहाँ से विवाह के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सके तो आप किसी मंदिर में नारियल का हवन करके आइए और मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना मांगिए। भाग्य अवश्य साथ देगा। और जिनकी नौकरी नहीं लग रही है, कोई बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, तो तुलसी के आगे घी का दीपक लगाएंगे तो भाग्य अवश्य साथ देगा। तो साथियों, ये थी हमारे सिंह राशि के जातकों की इन दो दिनों की आज के महाराशि फल की जानकारी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए पसंद जरूर आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आपकी राशि कौन सी हमें कमेंट करें। और जल्दी से सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन नोटिफिकेशन को, जिससे कि आप तक आपकी काम की जानकारी पहुंच सके सबसे पहले। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जोर से बोलिए जय श्री राम।